हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग कोविड कोरोना वायरस हमारे शरीर पे किस तरीके से अटैक करता है, ये कैसे इसका क्या किस तरीके से बना होता है, क्या अपने शरीर पे ये रिजल्ट्स लेके आता है और क्यों कहते हैं कि किसी से मिलने से पहले आप इतना डिस्टेंस बना के रखिए, आप अपने हाथ मुंह को कवर करके रखिए, क्यों ऐसा कहते हैं और साथ में कोविड की स्टार्टिंग जो है कहाँ से हुई। जैसे कि आप सभी को पता है कोविड एक महामारी घोषित कर दी गई है और ये बहुत ज़्यादा एटलीस्ट आप मानिए 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर चुकी है, उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को तो डेथ भी हो चुकी है। तो ये जो कोविड-19 है इसका स्टार्टिंग जैसे आप सभी को पता है दिसंबर में हुआ, उसके बाद जिस व्यक्ति को सबसे पहले हुआ वो सी फूड से अटैच था, मतलब वहाँ पे काम करता था और उसको इस तरीके से ये अफेक्टेड हुआ कोरोना वायरस। जब उसको अफेक्टेड हुआ तो काफ़ी सारे लोगों को उसने अफेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली एक व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया आज सफ़र कर रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इंडिया में तो ऑब्वियसली लॉकडाउन कर दिया गया है 21 डेज़ का। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है, कोरोना वायरस एक्चुअली में होता क्या है, कोरोना वायरस एक तरीके का ऐसा वायरस है, सबसे पहली चीज़ तो ये बना किससे होता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस एक तरीके के फैट सॉल्यूबल, मतलब एक बुलबुला टाइप होता है जिसके अंदर एक फैट होता है थोड़ा सा, उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है और उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो ये वायरस जो है अपने शरीर में, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में अगर एंटर करता है तो क्या करता है, आपके शरीर पे अटैक करेगा। तो इसके जो क्राउन्स जैसे स्पाइक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, ठीक है। अब डैमेज कैसे करेंगे, वो हमारे सेल के अंदर आए, हमारी बॉडी के अंदर आए, फिर सेल के अंदर आए। अब सेल में जाके क्या करेंगे, जो प्रोटीन की लेयर है अपने सेल के अंदर उसको ब्रेक करते हैं और जो ये वायरस पाया जाता है, ये जो बुलबुला होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो जैसे इसकी प्रोटीन की लेयर ब्रेक होती है तो ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे शरीर की जो सेल होती है उसकी प्रोटीन लेयर को ब्रेक करके उसके अंदर एंटर करता है। जब ये उसके अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर जाके ये अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाने लगता है जो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हानि। तो हमारे जो सेल है उसके जो स्पाइक्स होते हैं इसके बाहर, ये ACE2 रिसेप्टर से जाके हमारे सेल के जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके अटैक करता है, वहाँ पे एक नया जीनोम बनाता है और क्या होता है, सेल के अंदर ये नए तरीके से RNA बना लगता है। बट ये जो RNA बनाता है ये इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, इसके पास इसकी एनर्जी जो है हमारे शरीर से ही लेता है, ये हमारे सेल से ही लेता है। और ये जो RNA का सिंथेसिस करता है ये एनर्जी लेता रहता है और नए नए तरीके के जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर में बनाते रहता है, ठीक है। जैसे ये RNA बढ़ता जाता है और जो कोरोना वायरस बढ़ता जाता है ये क्या करता है, सबसे पहले सेल को डैमेज करता है, ठीक है, जो आपके अच्छे सेल्स हैं बॉडी में उनको डैमेज करता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके जो लंग्स में सेल्स हैं, लंग्स के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। अब क्या जो इसने जो अपने शरीर में जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी वायरस अपने शरीर में आता है, सबसे पहले शरीर का क्या रिस्पॉन्स होता है, बुखार, ठीक है। तो ये बुखार हमारे शरीर में सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा। अब जब अपने शरीर की जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो रिस्पॉन्स करती है बुखार में, बुखार सबसे पहले बताएगा कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ बाहर से किसी तरीके का वायरस अपने शरीर में एंटर कर रहा है, सबसे पहले बुखार आएगा। उसके बाद हमारा शरीर लड़ते रहता है, लड़ते लड़ते क्या होता है, हमारे शरीर के जो इसने सेल्स डैमेज करे हैं ये जो लंग्स में जाके सबसे ज़्यादा सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये और सेल डैमेज करने लगता है लंग्स के। तो जैसे हम खांसते हैं, कफिंग करते हैं, तो जो डेड सेल्स होते हैं जो ये सेल डैमेज करता है वो बाहर आते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं। तो उसके साथ साथ ये कोरोना वायरस भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप स्पिट करेंगे, थूकेंगे, खांसेंगे, कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, छिनकना जिसको कहते हैं वो करेंगे, तो कोरोना वायरस आपके बाहर आएगा। अब सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोरोना वायरस की, ये अपने एनवायरमेंट में 10 से ज़्यादा घंटों तक ये जीवित रहता है, मतलब सोचिए कुछ घंटों तक ये अपने इन्वायरमेंट में जीवित रहता है, जिसकी वजह से इसलिए कहते हैं आप दूर डिस्टेंस रहिए। अगर किसी को कोल्ड कफ हो रहा है तो आप डिस्टेंस में इसलिए रहिए क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है ये अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी घंटों तक जीवित रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस है अगर वो कोल्ड कफिंग करता है तो ये जो वायरस है ये आपके कफिंग के साथ साथ बाहर आ जाता है और इन्वायरमेंट में रहता है। और इफ़ इनकेस अगर आप उसके साइड में प्रेजेंट हैं, उसके अगल बगल अगर कहीं भी खड़े हैं, तो ऑब्वियसली ये वायरस तुरंत एक ड्रॉप प्लेट, मतलब सोचिए जब आप छींकते हैं तो 1000 पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, तो उसमें जो एक ड्रॉपलेट्स की बस ज़रूरत होती है इस वायरस को फैलाने के लिए, अगर आप उसके आसपास भी बैठे हैं तो एक ड्रॉपलेट आपके शरीर में जो किसी भी तरीके से आइदर बाय हैंड्स और इफ़ यू आर टचिंग द पर्सन और इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट विद दिस, तो ये जो है वायरस एंटर कर जाएगा आपके शरीर में। उसके बाद
तो भैया इसकी तो बात ही फिर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कोरोना वायरस, इसलिए जो है हमारी जो गवर्नमेंट है इसलिए कह रही है आप डिस्टेंस रखिए, आप डिस्टेंस रखिए। क्यों? क्योंकि जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा, अगर आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो ये वायरस, इसकी जो कॉम्युनिकेबल, एक तरीके की कहीं कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ऐसा फैलता है तेज़ी से, इसमें एक सेकेंड नहीं लगता है कि पर्सन को जो सिम्टम्स हैं वो 10 से 14 दिनों में बीच में बहुत ज़्यादा 14th डे के बाद अंदर अंदर जो है सिम्टम्स बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको सर्दी खांसी जुकाम रहेगा, बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो 10 to 14 डेज बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और इसलिए न्यूमोनिया एंड केस में जाके इसमें ऐसा होता है कि लास्ट में जाके पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस वायरस को इतना खतरनाक कहते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट हम लोग को इसलिए सचेत कर रही है, आप घर के अंदर रखिए, लॉकडाउन रहिए, आप बाहर मत जाइए, बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन को हुआ तो आपको तुरंत वो चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बाहर जाइए तो मास्क ला के जाइए और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़ करिए, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है आप सभी को कि सैनिटाइज़ करते रहने से अपने जो हैंड्स है वहाँ से 99.9% जर्म्स डैमेज हो जाते हैं, कोरोना वायरस भी उनमें से एक है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कोरोना वायरस अपने शरीर पे अटैक कैसे करता है। तो कोरोना वायरस हमारे जो मेनली देखा गया है कि कोरोना वायरस 7 प्रजाति का होता है, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा और उसके साथ साथ सार्स और एमईआरएस और उसके साथ ये कोविड है, कोविड 19 जो भी हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स सबसे पहले आपको सर्दी खांसी जुकाम जो नॉर्मल होता है वो, उसके साथ साथ आपको टेस्ट होता है, जो आप खाने का जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई टेस्ट नहीं आने वाला है, राइट। उसके बाद आपकी जो स्मेल करने की क्षमता होती है, अभी रिसर्च में ऐसे पाया गया था कि आप अगर बच्चे का डायपर भी अगर आप स्मेल करते हैं तो आपको स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज आपकी स्मेल करने की क्षमता है काफ़ी हद तक कम हो जाती है इन दिस कंडीशन, इन दिस कोरोना वायरस कंडीशन। अगर पेशेंट अफेक्टेड है, उससे इन्फेक्टेड है, तो उसको ये सारी चीज़ें होंगी। सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक है, वो नॉर्मल अपन उसको देखते हैं, बट उसके साथ साथ जो चीज़ें होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, सेंसेशन चले जाना टंग का, स्मेल का, तो ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, म्यूकस लेके भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करा जाता है कि कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो इफ़ इन केस इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स इन योर बॉडी लाइक दिस, तो जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसे नहीं सोचना है कि हमको क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, बिकॉज इसका इलाज भी कर ही रहे हैं, कुछ लोगों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी आया है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखते हैं, इंक्लूडिंग सर्दी खांसी जुकाम, उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है आपके जो सेंसेशंस जो होते हैं वो कम हो रहे हैं, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको फीवर भी बार बार आ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, और उसके साथ में आपको जो कफिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये सिम्टम्स बताता है कि आपको कोरोना वायरस से आप अफेक्टेड हैं, आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके, वैसे तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है कि वैक्सीन जो है कोरोना वायरस में लगे और ठीक हो गए, ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसकी अभी रिसर्च चल रही है। जैसे इसका ट्रीटमेंट आएगा तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना हर एक इंसान को इफेक्ट करने वाली है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसको अफेक्ट करना है किसको नहीं अफेक्ट करना है। बट थोड़ा सा क्या, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। तो अब हम बात करेंगे इन सब चीज़ों कैसे खुद को बचा सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो खुद को बचाने के लिए आप लोग को क्या करना है, लॉकडाउन सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताया, ये जो एक ड्रॉपलेट से ये जो कोरोना वायरस आपके शरीर में एंटर कर सकता है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, दूर से रह के बातें करिए, फ़ोन में बातें करिए, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप उस पर जाके क्या बोलते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद को इंडल्ज रखिए किसी भी एक्टिविटी में, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मास्क लगाइए। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे एरिया में तो है ही नहीं ऐसा, कोई पाया ही नहीं गया, किसी कोरोना वायरस है नहीं, बिकॉज क्या होता है हमको चीज़ें पता नहीं होती है, इसके सिम्टम्स हैं जैसे मैंने बताया 14 दिन के आसपास दिखेंगे, 14 डेज के आसपास दिखेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारे एरिया में तो है ही नहीं। आप कवर करिए खुद को, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं और बाहर से आए हैं तो आप हैंड वॉश करिए। ठीक है, आप हैंड सैनिटाइज़र, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ पानी की सुविधा नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र रखिए, और सैनिटाइज़र भी आपको वो लेना है जिसमें अल्कोहल हो। ठीक है, और आप अंदर आए हैं तो आपको हाथ बार बार धुलने हैं, हाथ धुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हाथ धुलना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप
बाहर जाके आए, इफ़ इन केस द कोरोना वायरस इफेक्ट योर हैंड्स, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहीं से जाएगा, आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ सबसे पहले इफेक्टेड करेंगे. तो अगर कोरोना वायरस की जो लिपिड होता है, जो लिपिड प्रोफाइल होती है, जो बाहर का जो लिपिड से बना होता है, वो अगर आप अपने साबुन से हाथ धुलेंगे तो साबुन उस लिपिड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो ऑब्वियसली जो कोरोना वायरस है वो पानी के साथ चला जाता है. ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको अपने हाथ धुलने, हाथ धुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ आपको अगर कुछ सामान छूना भी है तो अपने एल्बो का यूज़ करिए आप, रादन आप हैंड्स का यूज़ करें बार बार. पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल मत जाइए, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे मतलब जाओ मत, बिकॉज किसी को क्या है किसी को नहीं पता है. ठीक है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताया बहुत लेट तक आते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ अपने हैंड्स को कवर रखिए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए और बाहर मत जाइए, बस यही इसका सोल्यूशन है. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड अनलेस अनटिल वी आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट्स और एनी. तो हमें हमारी खुद की फैमिली को खुद ही बचाना है और खुद को भी हमको खुद ही बचाना है. तो इसके लिए खुद को लॉकडाउन करिए और बाहर प्लीज़ मत जाइए. इफ़ इनकेस कोई एजेंसी दिखती है तो थोड़ा बहुत चले जाइए, बट इतना मत करिए, बिकॉज अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्योंकि जो इसकी वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है. तो हम लोग को हम अपने हाथ में ही सेफ हैंड्स हैं, हमारे हाथ जो हैं हमारे खुद के लिए ही सेफ हैंड्स हैं. तो हमको खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है. वैक्सीनेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बिकॉज रिसर्च करनी पड़ेगी. तो वैक्सीनेशन अभी तैयार हो रही है, जैसे ही तैयार होगी आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वाया मीडिया. तो बस ये सब चीज़ें थी. तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना और एक थम्सअप दे देना, और ऐसे लोगों से शेयर करना प्लीज़ मत भूलना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ डॉक्टर जो